तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पूल्ड सेल सस्पेंशन और 5% रेड सेल सस्पेंशन कैसे बनाएंगे वो भी कंप्लीट बात करेंगे। तो ये तीन टेस्ट ट्यूब लेना है, तीनों को लेबल्ड कर दिया है हमने। उसके बाद हमें तीन व्यक्तियों से ज़्यादा का बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप वाले सैंपल हमें लेना है। तो ये हमारे पास ए ब्लड ग्रुप के तीन व्यक्तियों के अलग अलग सैंपल हैं और बी वाले, तो तीन तीन सैंपल हमने एटलीस्ट लिया है, चार लेंगे तो और बेटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग व्यक्तियों के सैंपल हमने ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये तीनों सैंपल का जो ए वाला है वो हम ए वाले टेस्ट ट्यूब में 1-1 ड्रॉप रेड सेल डालना है, ठीक है। प्लाज्मा ऐड नहीं करना है और हमें केवल रेड सेल चाहिए। तो हमारे पास रेड सेल हैं इसमें, तो वो जो है हम एक ड्रॉप हमने एक व्यक्ति का डाल दिया। उसके बाद ड्रॉपर को जो है अच्छे से वॉश करना है। और एक बात याद रखिएगा, काम करते समय आप ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, ठीक है। और ये ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है और मेन काम जब चालू होगा तो मैं आपको जो है मेरे हाथ में आपको ग्लव्स ज़रूर दिखेंगे, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मैंने 1 ड्रॉप एक व्यक्ति का डाल दिया ए वाला ब्लड ग्रुप का रेड सेल, उसके बाद दूसरे व्यक्ति का जो है मैं इसमें ऐड करूँगा। तो 1 ड्रॉप मैंने दूसरे व्यक्ति का भी डाल दिया इसमें, और उसके बाद जो है हम थर्ड जो हमारे पास रखा हुआ है वो भी हम उसका भी 1 ड्रॉप हम इसमें ऐड कर देंगे। मतलब तीन ड्रॉप जो है तीन अलग अलग व्यक्तियों का रेड सेल हमने ए वाले टेस्ट ट्यूब जो हमने लेबल किया था पूल्ड सेल हमें बनाना है। पूल्ड सेल मतलब तीन व्यक्तियों का हमने सैंपल लिया है, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ओ का भी बना सकते हैं लेकिन कोई औचित्य नहीं निकलता ओ का, इसलिए हम ओ का नहीं बनाते हैं। ए और बी से ही हमारा काम चल जाएगा क्योंकि इससे हमें रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करना है। तो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो मैं अभी सेकेंड वीडियो में इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो रिवर्स ब्लड ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बनाना। और हमने अभी ए ब्लड ग्रुप वाला कर दिया, अब ये बी वाले हैं, ठीक है। तो बी वाले तीन व्यक्तियों के अलग अलग हमने सैंपल लिए हैं, तो उसका जो है हम इसमें तीनों का 1-1 ड्रॉप हम इसमें टेस्ट ट्यूब में बी लेबल्ड जो है तो उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तीनों अलग अलग व्यक्तियों के हैं, ये बी ब्लड ग्रुप वाला है तो बी में हम इसको तीन ड्रॉप तीनों का जो है 1-1 ड्रॉप हम ऐड कर रहे हैं। तो हर बार अच्छे से ड्रॉपर को वॉश करना है, उस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छे से आप उसको वॉश करके फिर अगेन उसको इस्तेमाल करना है। हर बार जब भी आप दूसरे सैंपल में ड्रॉपर यूज करते हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारे पास ए और बी दोनों के जो है हमने रेड सेल ले लिए हैं। अब इसको जो है क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन से जो है हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, 3 बार कम से कम आप इसको वॉश कीजिएगा। और ये हमारे पास नॉर्मल सलाइन है, आप ये नॉर्मल सलाइन जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में आप टेस्ट ट्यूब को एक प्रॉपर लेवल तक आप उसको फिल कीजिए और उसके बाद जो है आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें अच्छे से जो है वॉश करना है नॉर्मल सलाइन के थ्रू। तो इस तरीके से हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है नॉर्मल सलाइन रख दिया है और उसके बाद इनको दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो ये पूरे रेड सेल जो है हमारे अच्छे से वॉश हो जाएंगे। अब इनको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और मैंने जैसे पहले ही बताया था अब हमारा काम यहाँ से चालू होगा। तो ये हम इस तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं, अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, ग्लव्स ज़रूर आप पहनिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे का, तो वो याद रखिए। मैंने अभी एक दूसरे उंगली से इसको पकड़ करके मिक्स किया था, अब ये दूसरा फिंगर जो है मैं उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन बातों का छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी एरर नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है मिक्स करने के बाद हम इनको अच्छे से लेबल हैं सारे टेस्ट ट्यूब हमारे दोनों के दोनों, और इस तरीके से आप इनको सेंट्रीफ्यूज कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप जो सुपरनेटेंट होगा उसको आपको डिस्कार्ड करना है और नीचे केवल आपके पास रेड सेल इस तरीके से मिलेंगे, तो वो अपने को रखना है। कम से कम ये आपको 3 बार करना है तो अच्छे से आपके रेड सेल पूरे जो हैं वॉश हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सुपरनेटेंट पूरा डिस्कार्ड कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। और अभी वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा कुछ अभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन तो आपको ध्यान से जो है ये काम करना है इस तरीके से। और दोबारा हम इसमें
नॉर्मल सलाइन फिल करेंगे। एक बार हमने वास्ट कर लिया है, दूसरा बार फिर से आप इसको उसी तरीके से आप नॉर्मल सलाइन फिल करेंगे और अगेन जो है आप इसको वास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो जो है आप अच्छे से समझिएगा, रिपीट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ब्लड बैंक में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन सब चीज़ों का, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लड बैंक में काम करना, ठीक है। और इन सब का काम जो है आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली आना चाहिए। प्रैक्टिकल पार्ट हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए हम दूसरे बार भी हमने सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर दिया, और तीसरा बार भी हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास केवल और केवल रेड सेल, वास्ट रेड सेल हमारे पास जो है ये बचेंगे, ठीक है। तो ए और बी दोनों का हमने पूल्ड सेल बना लिया है। अब हमें बनाना है 5% पूल्ड रेड ब्लड सेल का सस्पेंशन, 5% का बनाना है। तो 5% बनाने के लिए जो है हमें इनको क्या करना है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिए हैं ए और बी का दोनों का, क्योंकि हम पूल्ड सेल बना रहे हैं। और किसी एक चीज़ का अगर रेड सेल बनाते तो एक ही सैंपल लेते, लेकिन हमने इसमें तीन तीन अलग अलग व्यक्तियों के सैंपल लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, ये हमें 5% बनाने के लिए हमने दो टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं ए और बी, उसमें भी हमने लेबल कर दिया है 5% के लिए। और वन ड्रॉप आपने ए का लिया है, ड्रॉपर एक ही होना चाहिए, वो आप याद रखिएगा। और एक बार यूज करने के बाद जैसे मैंने बोला अच्छे से उसको ड्रॉपर को वॉश करना है आपको, ठीक है। फिर अगेन दूसरा टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास बी का पूल्ड सेल था, उसका हमने वन ड्रॉप रेड सेल इसमें ले लिए हैं। तो वन ड्रॉप रेड सेल हमें लेना है दोनों का, ए और बी का, और इस तरीके से हमने वन ड्रॉप ले लिया है। अब हमें क्या करना है, उसमें 5% बनाने के लिए नॉर्मल सलाइन ऐड करना है 19 ड्रॉप, ठीक है। 19 बूंद जो है वही ड्रॉपर आपको इस्तेमाल करना है जिस ड्रॉपर से आपने जो है रेड सेल लिया है, ताकि जो आप ड्रॉप लेंगे वो अलग अलग क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, वो याद रखना। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल सलाइन लिया है, 19 ड्रॉप हमें इसमें फर्स्ट वाले ए में भी ऐड करना है और बी में भी 19 ड्रॉप। आपको समझ में आ गया, एक ड्रॉप आपको क्या लेना है, रेड सेल लेना है, और 19 ड्रॉप आपको नॉर्मल सलाइन लेना है। तो ये आपका 5% रेड ब्लड सेल का सस्पेंशन बन जाएगा, लेकिन हमने इसमें पूल्ड रेड ब्लड सेल का सस्पेंशन बनाया है ए और बी का, ठीक है। पूल्ड सेल आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको, ठीक है। तो किसी एक का नहीं है, इसमें तीन अलग अलग व्यक्तियों का, एक ही ग्रुप का, ए का 3 सैंपल लिया है, बी का 3 सैंपल लिया है, इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा 5% सस्पेंशन रेडी है रिवर्स ब्लड ग्रुप करने के लिए। तो रिवर्स ब्लड ग्रुप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, रिवर्स ब्लड ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लड बैंक में ये करना ज़रूरी है, वो आपको सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को पहली बार आए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।